हेलो नूबर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को स्वागत करते हुए द नूबर्स कम्युनिटी के प्रेजेंट किए गए बीजे स्क्रीम्स के अंदर। तो टोटल 15 टीम्स ने ज्वाइन कर चुके हैं, टोटल 49 प्लेयर्स वाला। तो आज के मैचेस में थोड़े कम बंदे ने ज्वाइन किया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा कि क्योंकि मेरा मतलब मैप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसकी तो मैं गारंटी आपको जरूर से देता हूँ। तो अभी फटाफट से बढ़ जाते हैं सारे के सारे प्लेन पर, पहले चेकआउट कर लेते। पहले ये ला कोब्रेरिया से होते हुए इम्पाला तक जाएंगे, तो सारे असन तिरुपत्रम सैन मार्टिन लॉस्ट लेनेस लाभन तथा अल लेजर सारे के सारे हॉट ड्रॉप्स को ये प्लेयर्स चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेकआउट करते हैं स्कॉट्स कहाँ कहाँ पर उतरिए। फिर टीम कॉज एंड टीम मैक्स में को ला कोब्रेरिया तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। टी के अमन जो कि सिर्फ 16 मैन स्टैंडिंग उतरे आज के मैच के अंदर, इनकी पूरी स्क्वाड लास्ट मोमेंट में ज्वाइन नहीं कर पाए, तो इसके वजह से पता नहीं। तो फिलहाल के सोलो खेलेंगे और यहाँ पे चेकआउट करते हैं बाकी सारे स्कॉर्स। सैन मार्टिन में हर्बन गेमिंग हो गई, टीम बेस्ट हो गई, टीम एक्सट्रीम हो गई, एंड एज वेल एज टीम आयुष की स्क्वाड भी मेरे को यहीं, सॉरी माई बैड, दिस इज नॉट टीम आयुष, दिस इज लेट मी चेक। तो यहाँ पे तब तक लिए ये दो स्क्वाड के जो फाइट यहाँ पे कन्फर्म होने वाला, क्योंकि टीम डीआर की स्क्वाड भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, टीम एसओपी की स्क्वाड भी शायद से जी हाँ काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। यहाँ पे 3-4 स्क्वाड मेरे को देखने मिले, एंड एज वेल एज तो ये वाले स्क्वाड के जो फाइट जोर से चेक करते हैं। और यहाँ पे टीम लिक्विड काउंटर में जी है और उनके जो यहाँ पे नॉक्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। पिज्जा बॉय ने सत्यम को नॉक कर चुके हैं एकेएम के द्वारा और उनको नॉक इन फिनिश आउट करने की कोशिश करते हैं। पिस्टल से सत्यम का किलो करने की कोशिश लेकिन यहाँ पे एएसपी मैन भी उनके प्लेयर को सत्यम पनिश कर दिए जाएंगे। तो ऊपर से टीम ईवल्स की तरफ यहाँ पे शासकों को भी यहाँ पे नॉक कर दिया जा चुका है, जो टीम 15 के प्लेयर ईवल्स के लिए हमें एसओपी के कैप्टन को जो स्पॉट आउट कर चुके हैं। एसओपी के कैप्टन और सारे लड़के आने कोशिश, यहाँ पर आयुष का टैक वगैरह शायद से रिचार्ड वगैरह जी हाँ शायद से डिस्काउंट हो चुके, लेकिन उनका किल वगैरह सिक्योर करते हुए भाई एसओपी के कैप्टन के द्वारा टीम एसओपी के एक बंदे खो चुके हैं। अर्बन गेमिंग जी काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ पे टीम 15 जो कि टीम लिक्विड काउंटर के जो प्लेयर्स हैं उनके यहाँ पे दो बंदे फिनिश ऑफ हो चुके, सिर्फ पिज्जा बॉय एंड एएसपी मैंडी फिलहाल के लिए अपना होल्ड करते हुए देखेंगे। और टीम नंबर 13 जो कि टीम एसिफिक स्क्वाड में रशिंग कर रही है कि नहीं, फिलहाल का स्काउट वगैरह कर रही है सारे के सारे एंगल्स को क्लियर करने की कोशिश कैप्टन की तरह। और शमेल भी शायद से इस वाले फाइट को एंगेज करने के बढ़ते, लेकिन फेस कहाँ पे चेकआउट करते हैं। फेस ऑन द अपर हैंड जी हाँ, उनकी बिल्डिंग के ऊपर साइड से शायद से फाइट में एंगेज कर सकते हैं। ड्यूल का स्पॉट नहीं किया इस फेज ने, ड्यू का स्पॉट नहीं किया, लेकिन वैसे भी कैप्टन को दूर से नॉकआउट कर दिए जाएंगे और एक वन एच पी हो जाएंगे। और शमील वगैरह पिज्जा बॉय ने उनका किल वगैरह सिक्योर करते हुए यहाँ पे 1v2 फाइट में शमील आखिरकार आ चुके हैं इस वाले फाइट में एंगेज करने के लिए। और यहाँ पे एक तरह से दोनों साइड से अगर एक एक बंदा अगर पुश करेगा तो कुछ ना कुछ कमाल हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे फेज वगैरह कुछ ऐसे ग्रैंड वगैरह करने की कोशिश। तो पिज्जा बॉय एंड एएसपी मैंडी के द्वारा मैंडी फिलहाल पिज्जा बॉय अपने आपको जितना हो सके उतना हील करने की कोशिश। हमें समय आ चुके हैं यहाँ पे एएसपी मैंडी वापस से, उनका पता है कि दोनों तरह से बंदे आ रहे थे इसलिए उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्टेज पे होल्ड कर चुके हैं। नेचुरल यहीं पर जैसे टीपी भी लेने का फायदा उठा रहे। तो यहाँ पे टीम अर्बन गेमिंग पढ़ते हैं ये भी कहें यहाँ पे उतरे जी नहीं, यहाँ पे सिर्फ से प्रोफेसर यहाँ पे उतरे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके बाकी मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा दूर है जी हैं पावर ग्रिड में लूट को वगैरह कर रहे। तो यहाँ पे चेकआउट करते हैं बाकी सारे स्क्वाड कहाँ उतरे हो चुके। यहाँ पर टीम एक्सट्रीम के स्क्वाड में आसन था दिलपत्रम उतर चुके, टीम बीच यहाँ पे एएसपी मैंडी ने एसओपी के फेस को नॉकआउट कर चुके जी हाँ। यहाँ पे यहाँ पे एसओपी के फेस को डायरेक्ट नॉक एंड फिनिश कर चुके और शमेल भी यहाँ पे नॉक एंड फिनिश होने की वजह से टीम लिक्विड काउंटर में सक्सेसफुल यहाँ पे 4 किल्स का टीम एसओपी के स्क्वाड को यहाँ पे एलिमिनेट कर चुके हैं। यहाँ पे जीजी बोलते हुए टीम एसओपी स्क्वाड को तो यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि अभी फिलहाल थे उनके भी दो बंदे नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पे मैडिकस 1 किल, पिज्जा बॉय का 3 किल्स हो चुके हैं। तो फिलहाल चेक करते हैं डीएमआर के स्क्वाड इस वाले फाइट में एंगेज क्यों नहीं कर रहे, उनके डिसेंसी लूट तो हो चुके हैं। और यहाँ पे डीएमआर के सागर साइंस से थोड़ा सा डैमेज ले चुके हैं। और यहाँ पे अर्बन गेमिंग के प्रोफेसर यहाँ पे जी रशिंग करते हुए जी हाँ एक तरह से ये अकेले बंदे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे प्रोफेसर वगैरह साइड से अपने इस वाले पोजिशन को छोड़ते हुए साइड से जाएंगे कि नहीं चेकआउट करते हैं। यहाँ पे डीएमआर के सागर वगैरह काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव पुश देखने को मिल जा रहा है, इवल्स के वेंटर उनको फॉलो अप करते हुए ड्यू के तरह से अगर कर्फर आएगा तभी कुछ हो पाएगा। और यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि यहाँ पे प्रोफेसर अगर अपनी इस पोजिशन को कब तक के लिए होल्ड कर पाते हैं। यहाँ पर टीपी भी लेने की कोशिश, इनका डबल एक यहाँ पर ग्रैंड वगैरह करने की कोशिश, हम स्टेयर पर ग्रैंड कर चुके हैं जी, प्री नेड हो चुका है, यूज के वेंटर वगैरह रशिंग नहीं करें। डीएमआर के सागर में अपने आपको फॉल बैक कर जाएंगे और जोर से चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे जब तक ले फाइट में एंगेज नहीं हो तब तक चेकआउट करते हैं। यहाँ पे लदरीला में कौन से स्क्वाड उतर चुके, लदरीला टीम एफ डब्ल्यू के स्क्वाड उतर चुके आज के मैच के अंदर। और नहीं सॉरी माय बैड, मौत नोवा में उतरी है। यहाँ पे नॉइस के जूनियर फिलहाल कैम टू फोन और प्रोफेसर ने डीआर के सागर को नॉकआउट कर चुके जी हाँ। पे एक तरह से एक बंदे को नॉकआउट कर दिया, दूसरे बंदे को भी नॉकआउट कर दिया, यहाँ पे उसके विंटर को भी यहाँ पे नॉक कर चुके थे, लेकिन जी ने यहाँ पे उनको शट डाउन कर दिया जाएंगे डीआर के विलन ओपी के द्वारा, उनको फिलहाल का फिस्ट ऑफ करके उनको फिनिश करने की कोशिश। और यहाँ पे टीम 15 के बाकी मेंबर्स भी शायद से एंट्री करें, पिज्जा बॉय एंड एएसपी मैंडी वगैरह, लेकिन यहाँ पे टीम डीएमआर की स्क्वाड
कि बाकी दो मेंबर्स जब तक रिवाइवल मिल रहा है तब तक के लिए हम 15 जो कि लिक्विड कॉन्टैक्ट के प्लेस काफ़ी दूर है और हम अपने लूट वगैरह कंटिन्यूस ऐसे बेस्ट रहेगा। और हमें चेकआउट करते हैं लॉस लेने में टीम टोरंटो की स्क्वाड कैसे अपने आप को लूट वगैरह कंटिन्यू कर रही है। मैक्स कर्सन ने कॉस के फिनिक्स ओपी को नॉकआउट कर चुके हैं। मैक्स की स्क्वाड किसी बंदे एक बंदा ज्वाइन होता है काफी बंदे कंटेस्ट करते हैं। यहां पे इधर उन्होंने एक और बंदा जी उन्होंने दो बंदे को नॉकआउट किया था काफी बेहतरीन नॉकआउट पे कॉस करते हुए भी यहां पे नॉकआउट हो जैसे सिर्फ से कॉस के राइजन की तरफ से क्लच होते हुए और यहां पे कॉस के राइजन अपने स्क्वाड का हेलमेट होने से बचा चुके लेकिन मैक्स कर्सन ने काफी बेहतरीन दो नॉक्स को सिक्योर किया था। लेकिन और भी टीम मैक्स यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। मैं जोर से बताता हूँ कि नेक्स्ट वाले मैच है टीम मैक्स की स्क्वाड जोर से फोर मैच स्टार्टिंग होती है। इस वाले मैच है उनको थोड़ा सा लेट आईडी पासवर्ड जाने की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए। सो दिस इज आवर फॉल्ट एक्चुअली। लेकिन फिर भी उन्होंने फाइट में एंगेज किया फाइट में उन्होंने रूम के अंदर एंट्री किया तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। तो टीम ने जैसे बोला कि अभी फिलहाल के लिए टीम क्वांटम की स्क्वाड फिलहाल के लिए तो अपने खेल और बटर ने कोशिश कर रहे लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर होने के बावजूद इसलिए शायद से वो थोड़ा सा होल्ड करते हुए देखने मुझे और बढ़ते अर्बन गेमिंग पे और अब देख सकते अर्बन गेमिंग के मार दूंगा काफ़ी ज़्यादा ओपन में जा रहे हैं। जरूर से इनको पता है कि ये लोग सारे के सारे एरिया क्लियर है तो इसके मतलब शायद से इतना वाइड स्प्रेड होकर लूट वगैरह कंटिन्यू कर रहे हैं। मटन चॉप वगैरह एक तरह से वेयर हाउस में लूट कर रहे हैं उनको पता है कि इनके प्लेयर यहाँ पर ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके तो शायद से प्लेयर के थ्री मैन स्टैंडिंग हो जाएंगे तो उसको पूरा का पूरा फायदा उठाना पड़ेगा और उसके मुताबिक शायद से फाइट में एंगेज करने का शायद से वो अपॉर्चुनिटी वगैरह चूज करेंगे। स्मैशर के सामने दो बंदे थे यहाँ पे थंडर बीस्ट के थंडर को नॉकआउट करते हैं स्मैशर की तरफ आप एक तरह से बीस्ट के तीन बंदे बीस्ट के एक ही जी ने बीस्ट के गजने भी टॉमी गन किया था शट डाउन कर दिया और हम पे यूर के स्मैशर को भी यहाँ पे पिकअप कर दिया जाएंगे। यहाँ पे अर्बन गेमिंग के दो बंदे ऐसे हमें नॉक एंड फिनिश ऑफ होते हुए देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस आए थे इतना दूर दूर लूट करने की वजह से यहाँ पे दोनों दो प्लेयर्स उनके हेलमेट हो चुके तो इसको जोर से उनको ध्यान में रखना पड़ेगा और अगली मैच में हो सके तो ऐसा अगली फाइट को ऐसे एंगेज न कर और हो सके तो अपने स्क्वाड के साथ ही लूट करने का प्रेफर करे। तो एक प्लेयर यहाँ पे सैन मार्टिन में नॉक फिनिश हो एक बंदा मोहन तो नोवे में फिनिश हो और बाकी के तो दो प्लेयर्स जो अपने स्क्वाड के सर्वाइव करने का स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा कि यूआर के मार्ग में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर है उन्होंने काफ़ी सारे क्रंचेस भी किया हमारे स्क्रीन के अंदर तो अभी तक तो स्टे पॉजिटिव हूँ मैं और मेरे को जरूर से पता है कि अपने टॉप 10 में तो लेके आने के लिए सारे स्ट्रेंथ को यूज़ करेंगे। तो अभी चेकआउट करते हैं मोहन तो नोवे में जो स्क्वाड है उनकी क्या सिचुएशन है। लेकिन टीम एफडब्ल्यू की स्क्वाड है और यहाँ पे आज के मैच में टीम एफडब्ल्यू की तरफ से एक न्यू प्लेयर ज्वाइन हुए जो कि नोइस की जूनियर। तो चेकआउट करते हैं कि इनके जो क्लोज रेंज फाइट एंड एज जो मिड टू लॉन्ग रेंज की फाइट में कैसे एंगेज करते हैं। तो फिलहाल के M2 फोन है तो मोस्ट प्रोबेबली क्लोज टू मिड रेंज का ये एक तरह से एंट्री फ्लैगर का यहाँ पे रोल निभाते हुए तो एंट्री फ्लैगिंग का रोल कैसे निभाते वो हमको स्क्रीन से कुछ देर में देखने को मिलता है। डोरेमोन विद द मिनी 14 एंड M4 का कॉम्बिनेशन पीयूष वगैरह भी जी हाँ ये भी सेम यहाँ पे M2 फोन एंड स्कारल का कॉम्बिनेशन मेरे को देखने को मिलता रहा है। तो एक तरह से दो प्लेयर्स यहाँ पे मिनी 14 जो कि DMR रन करते और दो बंदे यहाँ पे M249 जैसे LMG को यूज़ करते हुए देखने को मिल जाता। तो क्लोज रेंज में भी चेकआउट करना रहेगा साथ ही लॉन्ग रेंज में भी उन्होंने प्लेयर्स को कवर अप करते तो यहाँ पे पहला एयर ड्रॉप गिरता है पहला एयर ड्रॉप का तो कौन सा वेपन है जो जरूर से चेकआउट कर लेते। तो यहाँ पे शायद से इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी AUG के वेपन आ चुके हैं तो शायद से टीम अर्बन गेमिंग उसको कैपिटलाइज करेगी कि चेकआउट करते हैं शायद से उस वाले एयर ड्रॉप में तो उनको जरा से दिलचस्पी नहीं वो जैसे टीम बीस्ट के स्क्वाड से यहाँ पे फाइट लेते हुए मेरे को स्पॉट आउट हो जाएंगे। उन्होंने अपने यहाँ बगी को ऐसे इस डायरेक्शन में रखा है कि जहाँ पे वो टीम बेस्ट के स्क्वाड उनकी यहाँ पे बगी को ज़्यादा से डैमेज ना दे पाए। तो यहाँ पे चेकआउट करते हैं स्पॉट आउट कर चुके मार दूंगा विद SKS के फिर बीस्ट के गजी ने अभी थोड़ा सा रैंडम फायर दिया हुआ लेकिन क्या उनको स्पॉट कर चुके हैं यहाँ पे से अगर वो अपना हेडशॉट वगैरह दिखाएंगे तो यहाँ पे गजी डायरेक्टली यहाँ पे नॉक हो सकते हैं और यहाँ पे जोर से टीम अर्बन गेमिंग के स्क्वाड रेसिंग करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। अभी तब तक के लिए मटन चॉप की पर्सपेक्टिव चेक करते हैं फिलहाल के M4 के साथ है तो यहाँ पे थोड़ा सेफ के लिए कोच यहाँ पे बीस के गजी को स्पॉट आउट कर चुके हैं फिर मार दूंगा कि तरह से यहाँ पे SKS का यहाँ पे दो ब्लड साइज से कनेक्ट हुए एक हैंड पे और एक बॉडी पे फैम नॉट रॉन्ग तो इसकी वजह से 50 HP हो जाएंगे और लेकिन अपने को सेफली कवर में लेके आ चुके हैं बीस के गजी अपने को वापस हील डाउन करेंगे और यहाँ पे टीम बीस फिलहाल को थोड़ा सा सेफली इस वाले फाइट में साइज से एंगेज करेंगे उनको तो उधर से अभी ये होगा कि यहाँ पे इतनी जल्दी कौन सी स्क्वाड आई है और कौन सी स्क्वाड इनको कंटेस्ट करने के लिए आई है। तो जब तक के लिए यहाँ पे टीम अर्बन गेम की मार दूंगा वगैरह स्प्रेड आउट तरह से फाइट में एंगेज करने की कोशिश टीम FTW की तरह से रोटेशन अदर उन्होंने जोर से यहाँ पे SKS का शॉट्स वगैरह सुन चुका है यहाँ पे अर्बन गेम की स्क्वाड एक तरह से सैंडविच होने के चांसेस यहाँ पे जूनियर वगैरह स्पॉट आउट कर रहे जी हैं और यहाँ पे एक तरह से फैम नॉट डोरेमोन ने स्पॉट कर चुके हैं डोरेमोन के पर्सपेक्टिव में चेकआउट करते हैं जी ने फिलहाल स्काउट वगैरह कर रहे हैं
तो बालू के पास पर ट्यू वगैरह भी चेक कर, उनको पता है कहीं ना कहीं से तो फायरिंग आया एक तरह से, वो जो बीच वाला जो इलाके उनको स्पॉट नहीं करे वहाँ पे बगी वगैरह को स्पॉट करने थोड़ा सा सक्षम नहीं हो पाया, अगर मैं अर्बन गेमिंग को मार दूंगा तो स्पॉट आउट कर देते हैं मार दूंगा काफी बेहतरीन डैमेज हुआ, लेकिन फिलहाल फिलहाल का सेकंड बुलेट कनेक्ट नहीं हुआ और अपने को सेफली कवर में लेके आ चुके हैं। अभी बढ़ते हैं डोरेमोन की तरफ, डोरेमोन के पास सेम मिनी 40 का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे उनकी सबसे यहाँ पे बग्गी को डैमेज देने की कोशिश किया और उनकी बग्गी के टायर्स वगैरह ऑलरेडी डिस्ट्रॉय करते करने की कोशिश है और अर्बन गेमिंग की प्लेस काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड है, इसके वजह से टीम वेस्ट की स्कॉर भी जरूर से फायदा उठा सकता है, लेकिन इस पर पहला नॉक आ जाएगा अर्बन गेमिंग को मार दूंगा पे जो कि काफी ज्यादा दूर पहुंच चुके थे अपने मटन उनके प्लेयर्स की तरफ से, उनका किल वगैरह सिक्योर करने की कोशिश। पिज्जा बॉय ने डीएमआर के सागर को नॉकआउट कर चुके हैं एक तरह से, वहाँ 2v4 एक तरह से यहाँ पे 2v4 तो ऑल है, तो ये वाला फाइट को चेकआउट करते हैं अपने डोरेमोन वगैरह रशिंग करते हैं FAW बालू की तरह फिर मिराडो के साथ घर पे अर्बन गेमिंग के मटन चॉप पे बढ़ते हैं, फिलहाल स्मोक वगैरह करने की कोशिश अपने प्लेयर को क्या रिवाइव दे पाते हैं चेकआउट करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी 4 स्मोक्स को डिप्लॉय कर चुके हैं और हम उनके प्लेयर को रिवाइव देने की कोशिश, उनका स्पॉट आउट कर दीजिएगा हम FAW के बालू की तरह, पीयूष ओपी की तरफ से एक बेहतरीन स्कारल का स्प्रे आ जाएगा और अर्बन गेमिंग के मटन चॉप यहाँ पे नॉक एंड फिनिश ऑफ हो जाएंगे, तो काफी ज्यादा बेहतरीन नॉक देखने को मिल जाएगा पीयूष की तरफ से और अपने प्लेयर्स वापस से रीयूनाइट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट से बढ़ते हुए 2v4 जो कि सैन मार्टिन में हो रहा था, उन्होंने क्या नॉक निकलने का सिक्योर कर पाए, जिन्हें नॉक निकलने का सिक्योर नहीं कर पाए और जैसे कि आप देख सकते DMR की स्क्वाड काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड है और अपने अपने पोजीशन से यहाँ पे छोटे चाहते DMR के विलेन यहाँ पे एक तरह से पीस ऑफ करने की कोशिश कर रहे क्योंकि वो पिस्तल से यहाँ पे डैमेज दे रहे, पिस्तल से उनको फाइट में एंगेज कराने के लिए जरूर से यहाँ पे इन्वाइट कर रहे ड्यू विद द मीन M4 एंड UMP के साथ और विलन विद हम पे DMR के सागर की तरफ से काफी बेहतरीन नॉक देखने मिल जाएगा, हमें पिज्जा पर काफी बेहतरीन उन्होंने बैट किया फिर DMR के स्क्वाड ने यहाँ पे विलन को हमें पिस्तल चलाने के छोड़ दिया, दूसरी तरफ से एक स्नाइपर को उन्होंने बैठा चुके हैं, जैसे वो बंदा पिक देगा वैसे वो नॉकआउट करने का चांस, तो काफी ज्यादा बेहतरीन बैटिंग स्किल्स मेरे को देखने को मिल जाएगा DMR के स्क्वाड्स की तरफ और DMR के सागर पे वापस से बढ़ते थे, उन्होंने अपने V94 से दिया, उन्होंने V94 से एक शॉट वगैरह कनेक्ट किया था तो वापस हमको एक और शॉट वगैरह कनेक्ट हो पाते हैं, फिलहाल के ESP मैंडी ने पिज्जा बॉय को जोर से रिवाइव मिल जाएगा और अपने टीम DMR के स्क्वाड काफी ज्यादा सेफ खेलने की कोशिश, वो जोर से इस वाले मोमेंट में रश नहीं कर रहे, थोड़ा सेफ टू वो चाहे तो वो रश कर सकते थे लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमें कितने बंदे साथ ही उनके लोकेशन वगैरह नहीं पता, तो थोड़ा सेफ खेलते हुए मेरे को पाए जाएंगे और पिज्जा बॉय विद M16 एंड M4 की कॉम्बिनेशन ESP मैंडी का कौन से वेपन से चेकआउट कर लेते हैं, ESP मैंडी विद M4 एंड एज वेल एज AKM के कॉम्बिनेशन मेरे को देखने को मिल जा रहे, तो यहाँ पे जोन शिफ्ट होते जोन यहाँ पे आसिना दिल पद्रम वाटर ट्रीटमेंट क्रूज दिल वेल एंड सैन मार्टिन एंड एज वेल एज ग्रेवेड एंड जंकयार्ड के पूरा पूरा फेवर देते होता है जोन जोन के थ्रू उनका रोटेशन आता है, टीम एक्सटेंड में ऑलरेडी रोटेशन देते हुए विद ट्रक के साथ और अपने साथ जोन उनके तीन मेंबर्स ऑलरेडी निकल चुका है, चौथा बंदा भी उनका ज्वाइन कर देगा कुछ देर में, जो उनका पैकआउट है उनके जो ड्रॉप लोकेशन है आपको पता है हमेशा पैकआउट में उतरते हैं, तो अपने लिए यहाँ पे व्हीकल्स के साथ ही चेकआउट करते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे जाके इनका रोटेशन आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग है आसंदा दिल पत्रों की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे इंसान के सिर्फ जो इस वाले मैच है सिर्फ सोलो मैच स्टैंडिंग ज्वाइन किया, आज उनके प्लेयर्स ने ज्वाइन नहीं कर पाए लेकिन अपने आप उन्होंने उधर से प्रॉमिस किया है कि वो काफ़ी एक तरह से फाइट में एंगेज करेंगे और ऐसे नहीं चुप चुप के नहीं खेलेंगे, तो चेकआउट करते हैं अपने पोजिशन पॉइंट पर कितना सिक्योर करते हैं एज अ स्किल पॉइंट से कितना सिक्योर करते हैं, तो DMR के विलनों पर विद द सेम पिस्टल अगर इन्होंने स्मोक वगैरह किया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग DMR के सागर से रश करते कि उन्होंने स्मोक वगैरह तो किया लेकिन यहाँ पे सी फिलहाल के टीम नंबर 15 जो कि लिक्विड काउंटर के स्क्वाड है उन पर हम डैमेज देने कोशिश पिज्जा बॉय वैसे मिनी 14 लेकर जा चुके हैं लेकिन यहाँ पे ओपोनेंट के पास काफ़ी बेहतरीन स्कोप्स वगैरह तो जिसकी वजह से पिज्जा बॉय को काफ़ी डैमेज लेते और काफ़ी उन्होंने एक तरह से क्विक पिक लेने कोशिश की लेकिन उतने देर में उन्होंने डैमेज कर चुके, तो एक तरह से बेहतरीन प्री फायर भी हमको एक्सपेक्ट हो रहा था, तो ऐसे उनकी तरह से स्किल्स वगैरह भी आ रहा टीम नंबर 14 यहाँ पे ज्वाइन कर चुके जो कि I4E की स्क्वाड है, तो ये शायद से कहाँ पे अभी तक सॉरी माय बैड, ये एक तरह से मेरे को लगा कि ये टीम आसियान था दिल पत्रों के क्लोज है लेकिन ये तो कहीं और ही लौट रही था वाटर ट्रीटमेंट के पीछे से, यहाँ पे शायद से कोई क्लोज नहीं कोई फाइट वगैरह एक ने चेकआउट कर अच्छा ओवरऑल मैं देख रहा था माय बैड और हम जो बढ़ते टीम नंबर टपा टप की तरफ जो कि सिर्फ वैसे तीन बंदे ज्वाइन कर चुके आज के मैच के अंदर, हमें द डेथ कहते हैं M249 एंड AKM का कॉम्बिनेशन, तो मेरा मतलब वाले मैप के अंदर M249 एंड AKM का कॉम्बिनेशन वाइबल तो नहीं है लेकिन अपने लिए अगर क्लोज रेंज का काम कर रहे हैं क्लोज रेंज के फाइट में आपको रशिंग करना पड़ता है और रशिंग करने के लिए आपको व्हीकल्स स्लैमिंग वगैरह देने की कोशिश करनी पड़ती है, तो अभी शायद से एंगल्स वगैरह क्लियर करें और अपने लिए पोजिशन वगैरह होल्ड करने की कोशिश, लेकिन हमें UK किंग को स्पॉट कर चुके हमें शील्ड के अनाज के द्वारा और UK किंग को डायरेक्टली नॉक एंड फिनिश ऑफ करने की कोशिश, यहाँ पर बगी शायद और बगी से उनको नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिया जाएंगे, जी हाँ यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन नॉक उनका किल वगैरह सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, नॉट रॉन्ग हमें कॉस्मिक वगैरह स्प्रे डाउन कर रही थी विद M4 and 6 स्प्रे और हमें UK किंग का किल वगैरह सिक्योर करने के लिए काफ़ी सारे
उसके बाद फिर होल्ड करते हुए आना स्टैम पे यूके किंग का किल वगैरह सिक्योर कर चुके और हम पे जब तक यहाँ पे नॉक अगर हो चुके तब तक फटाफट करते हैं फिर WWE के पीछे अपना बीस्ट के की हमें नॉक कर चुकी है जोन के बारे में फाइट चल रहा है बीस्ट के की का किल वगैरह सिक्योर करते हुए विद द मेनी 14 के साथ और चेकआउट करते हैं टीम बीस्ट के यहाँ पे कितने बंदे सर्वाइव कर दिया 3 बंदे सर्वाइव कर रहे हैं थंडर रोजी थोड़ा डैमेज ले चुके लेकिन अभी इफ आई एम नॉट आउट टीम FTW के स्क्वाड यहाँ पे आ चुके थंडर रोजी भी यहाँ पे स्लैमिंग दे चुके अपने आपको थोड़ा सेफ खेलने के लिए थोड़ा सा फॉल बैक करी जा रही है लेकिन टीम FTW स्क्वाड यहाँ पे रेसिंग करते देखने मिल जाएगा जी हाँ सिंगल डैमेज फिर थंडर रोजी को डायरेक्ट नॉक एंड नॉक कर दिया जाएगा और काफी बेहतरीन जिगर स्प्रे यहाँ पे सारे के सारे बुलेट्स यहाँ पे इतने से डॉच करते हुए तो अभी टीम बीच की तरफ से सिर्फ दो मैच जाने जो कि अभी जीप से फिलहाल जाने की एंट्री करने की कोशिश विद HP एंड गजेश दोनों काफ़ी ज़्यादा वाइट स्पीड खेल रहे और अपने प्लेयर को यहाँ पे शायद से मिस आउट कर दिए जाएंगे उनको यहाँ पर रिवाइव देने तो काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि उनको पता है यहाँ पे कंटेस्ट करना होगा टीम FTW के स्क्वाड के जैसे और डोरेमोन ने थंडर रोजी का किल हमें सक्सेसफुली सिक्योर कर चुके टीम लिक्विड क्वांटम पे बढ़ते हैं यहाँ पे ESP के मैंडे वगैरह शायद जोन के अंदर तो ऑलरेडी FM नॉट नॉन दिया जोन के अंदर ऑलरेडी लेकिन यहाँ पे विल्स के डिवन पे पिज़्ज़ा बॉय को नॉकआउट कर चुके पिज़्ज़ा बॉय की किल वगैरह सिक्योर करते जी कर तो नहीं पाएंगे लेकिन फिलहाल के थोड़ा सेफ है क्योंकि उनको फ्लैंक में निकले तो ऑलरेडी और फ्लैंक की वजह से उनको इजीली नॉक कर चुके थे यहाँ पे शायद से एक और छोटा सा फ्लैंक पे जाते हुए फिर DMR के विलनों पर चेकआउट करते हैं DMR के विलनों पर काफ़ी ज़्यादा फॉल बैक करते हैं यदि कुछ ज़्यादा बड़ा रोटेशन देते हुए मेरे को देखने में जाए DMR के सागर भी से हैं तो से व्हीकल ढूंढने के लिए गए थे उनका अभी तक हमें व्हीकल वगैरह नहीं मिला व्हीकल अगर नहीं मिलेगा तो मेरा मन जैसे मैं अपने ट्रैवलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा एज वेल एज उनको जोन के रोटेशन वगैरह देने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है तो टीम लॉस्ट की तरफ बढ़ती टीम लॉस्ट अभी पावर ग्रिड में उन्होंने पावर ग्रिड की तरफ से शायद एंट्री करें जी ने अभी फिलहाल वेयर हाउस में होल्ड कर जोन टू जोन एंट्री करने की टीम लॉस्ट काफ़ी ज़्यादा सेफ खेलते हुए मेरे को देखने मिल जा रहे और हमारे टीम नॉट टोरन टक की तरफ बढ़ते काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रोटेशन आ रहे हैं यहाँ पे एक तरह से जोन टू एच खेल रहे हैं ऐसे सभी फिलहाल के फैम नॉट रंग अभी वेयर हाउस के अंदर ही शायद से एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे इनके दो ऑलमोस्ट चार प्लेयर के चार व्हीकल्स है तो अपने यहाँ पे काफ़ी व्हीकल्स की क्वांटिटी काफ़ी डिसेंट से ने रखी है लेकिन हम बढ़ते हैं आसंद दिल पैतरॉन में जो कि टीम एक्सट्रीम के स्क्वाड यहाँ पे होल्ड करते हुए देखने मिल जाएगा यहाँ पे गोल्डन मिराडो भी किसी भी स्क्वाड ने एक्वायर नहीं किया तो फिलहाल के लिए एक और यहाँ पे फ्री व्हीकल लोगों को देखने मिल जाएगा टू टीम एक्सट्रीम के तो यहाँ पे फिलहाल के अभी लूट वगैरह कंटिन्यू का अभी कोई स्क्वाड क्या इनके प्लेयर्स का कुछ चेकआउट कर 20 HP को यहाँ पर नॉकआउट कर दिए जाएंगे 20 HP का किल वगैरह सिक्योर ऑलरेडी कर जाएंगे तो अभी सिर्फ सिर्फ वन मैन स्टैंड और उन पर भी क्या रेसिंग करें 20 के गजिए अपने स्क्वाड के लिए क्या वन फोर करने के लिए रेडी है कि नहीं लेकिन जी ने यहाँ पर FTW के बाल उनका स्पॉट आउट कर चुके 20 के गजिए को डायरेक्टली पिकअप कर दिए जाएंगे और टीम 20 के स्क्वाड पर हेलमेट हो जाएंगे यहाँ पर FTW के बाल का खत्म टोटल 4 किल जा चुके और हम पे टोटल टीम ने टोटल 6 किल्स सिक्योर कर चुके तो फिलहाल के जोन के अंदर जाने की कोशिश यहाँ पर 200 मीटर्स का डिस्टेंस यहाँ पर अभी 2 मिनट्स का टाइम है तो अपने इजी जोन का वो एंट्री कर सकते हैं क्या जोन और शिफ्ट आउट होते हैं मैसे दिलपत्र वॉटर ट्रीटमेंट के अभी फेवर देते हैं सैंड मार्टिन के अंदर थोड़ा सा जोन है टीम DMR ऑलरेडी यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे निकल चुके हैं टीम लिक्विड क्वांटम स्क्वाड ने शायद से उनके बिल्डिंग में यहाँ पे रशिंग करने की कोशिश की थी लेकिन फिलहाल काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि स्क्वाड ने यहाँ पे सक्सेसफुली अपने रिवर्ट बैक कर चुके अपने जोन की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है तो अभी फिलहाल वॉक इन करके इनको पता है कि वॉक इन करके उनके जोन तो है तो अभी सेम उनका जोन का जो फेवर है तो फिलहाल के लिए लूट वगैरह कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल रहा है और यहाँ पे टीम DMR की तरफ से बढ़ते जो कि अभी ओपन में नहीं है सर जी अभी आसन दिल पत्र के अभी क्लोज में जो रेसिडेंस हाउस है वहाँ पे होल्ड करते देखने को DMR के विलन OP भी बढ़ते तब तक के लिए विलन OP की पोजिशन वगैरह का या अभी पावर ग्रिड में लूट कर काफ़ी ज़्यादा दूर देखने को मिले एवल्स के विंटर भी काफ़ी ज़्यादा दूर है जी एक टू मैच स्प्लिट देखने को मिल जा रहा है आज के मैच के अंदर एक अभी उनमें से एक स्प्लिट फिलहाल के लिए जोन के बाहर फाइट ले रहे हैं और जोन के अंदर दूसरी डुओ मेरे को देखने को मिल रही है तो तब तक के लिए यहाँ पे जो डुओ खेल रहे थे और चेकआउट करते हैं कि टीम FTW की तरफ से कैसा रोटेशन आ रहा है यहाँ पे ग्रेवयार्ड के थ्रू तो मिराडो से बगी के साथ जोन के अंदर एंट्री करते हुए देखने को मिल जा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी जोन के अंदर एंट्री कर तो हम चेकआउट करते हैं टीम लॉस्ट की तरफ बढ़ते हैं तब तक के लिए टीम लॉस्ट वगैरह एंट्री जी हाँ अपने जोन के अंदर जिससे कि आपको पता है कि टीम लॉस्ट जोन टू जोन एंट्री खेलती है तो अपने थोड़ा सेफ का जो डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा वायबल डिसीजन है तो हमें चेकआउट करते हैं कौन कौन जो प्लेयर्स अपने मैच के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं कौन कौन सी टीम्स अपने जोन के अंदर एंट्री कर चुके हैं तो DNZN के सिर्फ
आखिरकार अपने बाकी सब जोन के अंदर रोटेशन दे रहे थे यहाँ काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन साइड से एंट्री करके फिर से वहीं पर होल्ड करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अभी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अपने बगी के साथ जा रहे थे, उनको ये जोर से पता होना चाहिए कि कौन सा स्क्वाड कहाँ पर है, तो उसके मुताबिक साइड से एंट्री देते हुए हमको देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे इंसेंट की सेफ्टी हमें बगी यहाँ पे फिल्प ऑफ होते लेकिन किसी भी स्क्वाड ने उनका स्पॉट आउट नहीं है और फिलहाल फिर सेफली जोन की तरफ रोटेशन दे रहे। टीम एक्सट्रीम की तरफ से उन्होंने अपने मेन बिल्डर को छोड़ चुके और उनकी विद्या जीप के साथ हम पे अपने लिए एक अपने छोटे से वेयर हाउस के अंदर बोल सकते हैं छोटे से वेयर हाउस के अंदर यहाँ पर शेल्टर लेते हुए और यहीं पर शायद से पूरी की पूरी स्क्वाड हमको होल्ड करते हुए देखने को मिल जाएगा। टीम ईविल्स के सामने यहाँ पे एक और रेड ड्रॉप गिर चुके, टीम डीएमआर के सामने एक और रेड ड्रॉप को चेकआउट करते हैं। इसलिए चौथे रेड ड्रॉप कौन से वेपन इसके अंदर MG3 और MG3 तो यहाँ पर क्या ईविल्स के विंटर के उसको एक्वायर करेंगे कि जी हाँ उनको एक्वायर तो करेंगे ऑफकोर्स बताया भाई। MG3 को यहाँ पे पिकअप कर चुके और यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे AKM को ड्रॉप कर चुके, जी हाँ AKM को ड्रॉप करके हमें MG3 जैसे वेपन गॉड टियर वेपन को यहाँ पे पिकअप कर चुके और अपने लिए अपने टीम के साथ जोन के अंदर एंट्री करते हुए देखने में जाए। और हम बढ़ते हैं टीम नंबर FDW की स्क्वाड जो कि अभी जोन टू जोन रोटेशन दे रही है लेकिन अभी फिलहाल के टोटल 6 के सिक्योर कर चुके हैं। क्या आज के मैच के अंदर क्या टीम FDW के अपने लिए क्या चिकन सिक्योर कर पाते हैं कि नहीं और यहाँ पे उनके साथ ही फैम नॉटर उनके हमें मिराडो से अटक चुके थे तो अपने टीम वर्क की वजह से उनके हमें मिराडो से सेफली निकाल चुके जोन के अंदर एंट्री करते हुए देखने मिलते हैं। वो तो यहाँ पे चेकआउट करते हैं सिर्फ 11 टीम्स बची अपने जो तीसरा जोन आते थे तो चेकआउट करते कौन कौन सी टीम सर्व टीम ईगल्स होगी टीम I4E होगी टीम इंडिया फॉर एवर होगी टीम लिक्विड क्वांटम होगी टीम कॉस होगी टीम टपाटप हो गए टीम TE हो गए टीम टोरंटो टीम इंसेंट टीम लॉस्ट टीम FDW एंड टीम एक्सट्रीम स्क्वाड अभी सर्वाइव कर रही है। तो अपने तो चेकआउट करते कौन कौन सी टीम और टीम दो टीम FDW की तरफ से काफ़ी बेहतरीन रोटेशन जोन के बाद जाके उनको यहाँ पे व्हीकल वगैरह स्पॉट करके व्हीकल को यहाँ पे एक्वायर करने के बाद ऐसे जोन के अंदर एंट्री करें तो उनको पता है कि व्हीकल इज द की मोमेंट ऑफ सर्वाइवर तो उस वाले पॉइंट को जोर से मिस आउट नहीं करो। टीम DMR की तरफ से टीम DMR काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है उन्होंने यहाँ पे आसान दिल पत्रों को कैपिटलाइज कर चुके हैं यहाँ पे ऑन द 40 साइड से पूरा का पूरा स्क्वाड ने यहाँ पे जोन के अंदर एंट्री किया लेकिन फिर भी इतना वाइड स्प्रेड खेल रहे तो जरूर से उनको पता होगा कि यहाँ पे कोई भी प्लेयर नहीं है तो वरना फिर इतना ओपन से तो जरूर से यहाँ पे आसान दिल पत्रों जैसे मेन कंपाउंड में तो कभी भी कोई भी ऐसे एंट्री नहीं करता तो यहाँ पे DMR के सागर वगैरह पे विलन ओपी आ जाएंगे पे ईविल्स के ड्यू आ जाएंगे एंड यहाँ पे ईविल्स के विंटर जो कि उनके सामने MG3 जैसे वेपन है उसके साथ हमें उनके पीछे फॉल बैक एंट्री करते हुए देखने को मिल जा रहा है। एट लास्ट उनके एक आर्ड कंपाउंड है जहाँ पे सारे की सारी पूरी टीम हमको होल्ड करते हुए देखने को मिल जाए और यहीं पे सही से थोड़ी देर तक होल्ड करते हुए पाई जाएगी और यहाँ पे आसान दिल पर तो जी अभी सैन मार्टिन की तरह अभी भी जोन है और अभी भी टीम लिक्विड क्वांटम हमको होल्ड करते हुए देखने को मिल जाए। इंसेंट की सेफ पे टीम टपाटप की स्क्वाड से एंट्री कर रही है लेकिन उनके हम पीछे करते हुए इंसेंट की सेफ के यहाँ पे बगी वगैरह पॉप आउट हो जाए फिर अपने को सर्वाइव करने की कोशिश करें चेकआउट करते टीम टा पटक स्क्वाड को उनको फॉलो कर लीजिए और उन्होंने यहाँ पे डैमेज दिया तो उन्होंने जरूर से उस प्लेयर को स्पॉट आउट किया था। इंसेंट के सेफ के यहाँ पे बगी का पीछे वाला टायर पॉप आउट होने की वजह से यहाँ पे इम्बैलेंस होता है देखने में और यहाँ पे स्ट्रेट को टीम DMR की तरफ से बढ़ते हुए देखने में जाएगा। अगर इतनी स्लोली अगर एंट्री करेंगे तो शायद उनको इजीली स्पॉट आउट करके नॉक आउट फिनिश करने के चांस यहाँ पे M4 एंड यहाँ पे डबल M4 का कॉम्बिनेशन रन करते और यहाँ पे उनका स्पॉट आउट कर चुके और उन पर 1 HP हो जाएंगे जी यहाँ पे 1 HP हो चुके टीम नंबर एक्सट्रीम की तरफ से फिलहाल अपना को स्मोक का कवर बना चुके लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे ईविल्स के प्लेयर उनको स्पॉट आउट कर चुके यहाँ पे ईविल्स के प्लेयर DMR के प्लेयर ने स्पॉट आउट कर चुके लेकिन अपना को छोटा सा रिच का कवर भी था लेकिन DMR के सागर की तरफ से यहाँ पे Win94 का शॉट आ जाएगा और यहाँ पे इंसेंट के सेफ यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे। काफ़ी बेहतरीन शॉट कनेक्ट कर चुके DMR के सागर की तरफ उनका यहाँ पे सक्सेसफुली एक किल यहाँ पे सिक्योर हो चुके विद Win94 के साथ और हम बताते टीम कॉस की तरफ जो कि अभी तक जोन के अंदर एंट्री करके काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन हो चुके और उनके तीनों प्लेयर एक तरह सैंडविच होने के मोमेंट एक तो सैंडविच ने एक तरह से पूरा का पूरा बर्गर ही बन चुके हैं क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से प्लेयर आ रहे हैं। टॉक्सिक ने हमें लास्ट कैरी को स्पॉट और नॉकआउट कर चुके हैं विद AWM के शॉट के पीछे आउट करते क्या एक और AWM का शॉट कनेक्ट होता है कि नहीं फिलहाल अपने प्लेयर के साथ पे बुलेट्स वगैरह लेते हुए लॉस्ट कैरी का जी आप उनको यहाँ पे रिवाइव तो मिल जाएगा लेकिन क्या आपको एक और शॉट वगैरह देखने को मिल सकता है लॉस्ट के स्कॉट जो कि जोन के बाहर अभी भी होल्ड कर रहे तो उनको जोन के अंदर एंट्री देना पड़े और टीम नंबर I4 के स्कॉट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे को देखने मिल रहे हैं। उन्होंने AWM जैसे बाहरी एक बिग बिग वेपन होल्ड करते लेकिन हम टॉक्सिक को भी हम नॉकआउट होते होते बच जाएंगे जी काफ़ी बेहतरीन हमको उनके तरफ से हमको लॉस्ट के डेवल की तरफ से एक शायद से एक M24 का शॉट आता है और हम FDW के बाद में ईविल्स के विंटर को नॉकआउट करते शायद स्लैमिन आ चुके थे फिर आसन दिल पेत्रों में स्लैमिन आ चुके टीम FDW के जूनियर जी हम दोनों DMR के विलन को हम फॉलो करके नॉकआउट कर चुके थे तो जो मैं बोल रहा था DMR का स्क्वाड जो कि इंसेंट की सेफ कर लूट वगैरह DMR के विंटर
कुविच से डबल मैंने पिकअप कर चुके और टीम एफ डब्ल्यू के फैम नॉट रन टीम एफ डब्ल्यू सक्सेसफुली हम टीम डीआर के स्क्वाड के हम हेलमेट कर चुके नहीं टोटल थ्री के से कर जो डीआर के स्क्वाड अभी सर्वे कर लीजिए इवच के ड्यू अभी सर्वे कर वो आसन थे दिल पत्रों के बिल्डिंग में नहीं थे वो रेसिडेंशियल एरिया से लूट कर रहे थे तो फिलहाल इधर यू एम पी एंड एम फोर के साथ उनको कुछ क्लच करना पड़ेगा क्योंकि हमें आसन थे दिल पत्रों के जो लोकेशन था वो भी यहाँ से क्रॉस आउट कर चुके हैं उनको फटाफट से जोन में जाना पड़ा टीम टोरंटो वर्सेस टीम टापाटा टू वीच फाइव टू टू वी फोर और टीम टोरंटो की स्क्वाड से उनका पता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लेकिन टीम टापाटा भी उससे फैक्ट्री को डिनाई करे क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़ा एरिया है और बचपन के पास पूरे पर वेरास को यहाँ पे होल्ड करते हुए देखने और दर्ड है कि फिलहाल के अपने ग्रेंड्स वगैरह करने कोशिश ग्रेंड्स का पावर क्या कर पाते हैं यहाँ पे रॉकस्टार ये तो वन एच पी के सर्वे चाहिए उनको कवर में तो जिसकी वजह से ग्रेंड का डैमेज नहीं पड़ा लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ हो सकता है अभी मैच प्लॉट सकते हैं लेकिन द डेथ काफ़ी ज़्यादा ओपन में पीक देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कोई ना कोई बंदा उनको स्पॉट आउट कर सकता है बचपन के प्लेयर काफ़ी बेहतरीन टी पी पी लेने की कोशिश लेकिन यहाँ पे जो क्रिकेट प्लेयर है जिसकी वजह से प्लेयर्स वगैरह एंगेज करने करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उनको स्पॉट आउट करके नॉकआउट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे डॉक्टर भी तो वन एच पी यहाँ पे वन एच पी यहाँ पे एम के 14 से वन एच पी करने की कोशिश करेंगे लॉस्ट के स्क्वाड ने रेसिंग कर चुके हैं नॉकआउट करके काफ़ी बेहतरीन और टीम लॉस्ट के स्क्वाड ने लॉस्ट की देरी द डेथ ने लॉस्ट की देरी को नॉकआउट कर दर्ड है तभी सर तो फोन है और हमको टीम नंबर टीम जो कि टीम टोरंटो की स्क्वाड की तरफ से हमको कॉल पर देखना मिलता है नॉइस की जिन्हें हमें टी कैमरा को नॉकआउट कर टी का स्क्वाड हेलमेट होता जिन्हें दर्ड है उनको डायरेक्टली पिकअप कर चुके बचपन के प्यार अभी सर हुआ है इधर ग्रेनेड्स करने की कोशिश यहाँ पे व्हील्स के ड्यू ने इस पी के मैंडी को नॉकआउट कर चुके यहाँ पे वन वी टू करने की कोशिश करते हैं मैंडी का किल वगैरह सिक्योर कर चुके हैं व्हील्स के ड्यू के द्वारा और डीवी के सामने फाइव नॉट अभी भी एक बंदे सर्वे कर रहे हैं वे टीम लॉस्ट वर्सेस टीम टीएनसी और टीम टपाटप के बीच में फाइट चालू है टीम टपाटप किसी वजह वन मैच स्टैंडिंग जबकि टीम टोरंटो की यहाँ पे फोर मैच स्टैंडिंग और लॉस्ट के जो कि दो बंदे नॉकआउट होते हैं सभी को यहाँ पे रिवाइव मिल चुका टीम टोरंटो को फटाफट से उन पर रश कर देना चाहते जब टाइम था लेकिन फिलहाल के लिए जब उन्होंने रश नहीं किया तो लॉस्ट के स्क्वाड वापस से स्टैंड अप हो चुका और उन्होंने स्मोक के कवर की तरफ यहाँ पे अपने जोन अभी तीन स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा विस्तृत मतलब 100 मीटर के डिस्टेंस भी नहीं है और तीनों के तीनों स्क्वाड अपने एक तरह से चिल मारते हैं बचपन के प्यार फिलहाल के हेस्ट तक के भी होल्ड कर रहे हैं उनको जोर से पीछे से शॉट आने के चांसेस है तब तक ले बढ़ते हैं पिज्जा बॉय की तरफ पिज्जा बॉय यहाँ पे ईवल्स के ड्यू के साथ शायद से अभी तक फाइट में एंगेज दिए हैं डैमेज वगैरह पड़ते हुए यहाँ पे ड्यू पे 35 डैमेज हुआ था लेकिन जोन का डैमेज आ जाएगा जोन का डैमेज और इसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा पड़ेगा और हमें तो प्ले जोन के बारे में हेलमेट होने की कोशिश हो सकती है टॉक्सिक ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन उनको एड बिलों के शॉट से यहाँ पे एफ डब्ल्यू के एक प्लेयर को नॉकआउट कर चुके और अभी ईविल्स के ड्यू को अपना फटाफट से हेल्थकिट मारना पड़ेगा अगर हेल्थकिट मारने में जीने सक्षम नहीं हो पाएंगे और अभी ड्यू यहाँ पे हेलमेट हो जाएंगे यहाँ पे प्ले जोन की वजह से उनका टाइम होते होते उनको लगा देना चाहते हैं लेकिन फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है पिज्जा बॉय बॉल के जोन में आई फोर के कॉस्मिक को हमें नॉकआउट करते हैं टॉक्सिक को भी हमें नॉकआउट करते हैं टॉक्सिक वगैरह से करने की कोशिश कॉस्मिक ऑलरेडी प्ले जोन से हेलमेट हो जाएंगे पर इफ आई एम नॉट पूरी पूरी स्क्वाड हमें हेलमेट हो चुकी है आई फोर स्क्वाड हमें हेलमेट हो चुके हैं प्ले जोन के द्वारा पर भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज लेने की वजह से टीम आई फोर स्क्वाड विद एट द एट पोजीशन पर हेलमेट हो चुके हैं फटाफट से चेकआउट करते हैं टीम एफ डब्ल्यू के स्क्वाड की तरफ जिन्हें तब तक बताते बचपन के प्यार के बचपन के प्यार वगैरह फिलहाल होल्ड करते हैं देखने लेकिन अभी तीन स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा क्लोज है अभी टीम टोरंटो को टीम लॉस्ट के स्क्वाड को उनको फटाफट जोन में जाना पड़ेगा तो दूर से अपने सारे एंगल्स वगैरह क्लियर करते हैं टीम लॉस्ट जोन के अंदर एंट्री करने के टीम एफ डब्ल्यू के स्क्वाड पे फाइट मैगेज करते हैं यहाँ पे फिर नोटर में फोर मैच स्टैंडिंग और फोर मैच स्टैंडिंग सिर्फ वन मैच स्टैंडिंग यहाँ पे फाइट मैगेज करने में काफ़ी ज्यादा एमोस को यूज करते हुए देखने मुझे पिज्जा बॉय विद फाइव किल्स अभी सर्वे करते हुए एम फोर एंड केनन के कॉम्बिनेशन से उन्होंने ऑलरेडी फाइव किल्स सिक्योर कर चुके और हम पढ़ते हैं टीम कॉस की तरफ टीम कॉस के फिनिक्स वगैरह शायद सी फाइव नोटर फाइट मैगेज करने की कोशिश यहाँ पे राइजन जिन्हें अभी होल्ड कर रहे हैं उनको अभी भी जोन का फेवर है तो टीम कॉस के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन उनका जोन का फेवर है और टीम लॉस ने आखिरकार जोन का एंट्री कर चुका है जैसे बोला कि हमें बचपन के प्लेयर का स्पॉट कर चुके हैं टोरंटो के प्लेयर के द्वारा टोरंटो के स्क्वाड फिलहाल के लिए अपना टॉप सिक्स में लेके और टीम टपाटो के स्क्वाड पर हेलमेट होते हैं टीम लॉस्ट की स्क्वाड फिलहाल होल्ड करते हैं देखने मिले पर उनके दौर से बी टी आने की कोशिश है लॉस्ट की चेहरे भी तो वन एच पी का सर्वाइव करें उनको शायद ए डब्ल्यू का शॉट है फिर एम टू फोर का शॉट करते हो और टीम अपने द्वारा लेकिन हमें टॉक्सिक बने हमने पे लॉस्ट की चेरी को हमें नॉकआउट करते लॉस्ट की चेरी का किल वगैरह सिक्योर कर चुके हमें लॉस्ट के जो को हमें नॉकआउट कर चुके हैं डी को वाइस द्वारा टॉक्सिक बने उनका सक्सेसफुली हम किसी करते लॉस्ट की चेरी और चेरी वगैरह सर्वे करते हुए सर्वे रेसिंग करते टॉक्सिक के टेबल लॉस्ट के टेबल पर लेकिन हमें रॉकस्टार ने काफ़ी बेहतरीन हम एम के 14 से लॉस्ट के टेबल का किल वगैरह सिक्योर करते हैं एरियन चेरी फिलहाल के लिए जोन गेट के लिए देखने अभी टीम मिलते हैं डी के वाइस टीम को नॉकआउट कर दीजिएगा अभी पीछे से बैक फायर हो जाएगा हमें डोर मैंने पीछे बैठ कर और अभी जी हम फुल फुल स्क्वाड में हेलमेट हो जाएगा टीम लॉस्ट के स्क्वाड में हेलमेट हो जाएगा फिफ्थ पोजीशन लेकिन अभी जोन की बात से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन डैमेज देते हैं टीम एक्सट्रीम की स्क्वाड जोर से इस वाले फाइट मैगेज करते हुए कॉस करते हुए सर्वे करें कॉस के फिनिक्स पर साइज सेफ एंड वाटर उनको रिवाइवल मिल जाएगा कॉस के राइजन वगैरह अभी सर्वे करें डोरेमोन टीम एफ डब्ल्यू वर्सेस टीम एक्सट्रीम की अभी फाइट चलते हुए तिरुपति वन मैच स्टैंडिंग बी एस टी के कारण विद एम फोर के साथ बचना पता नहीं चाहते लेकिन टीम एफ डब्ल्यू की स्क्वाड वगैरह इस वाले फाइट मैगेज करें रॉकस्टार वगैरह प्लेस हेलमेट हो जाएंगे
और जैसे हमारा टीम एफडब्ल्यू के प्लेयर्स उनका स्पॉट आउट कर दीजिएगा। यहाँ पे एफडब्ल्यू के पीयूष अभी इधर M4+4X की कॉम्बिनेशन है, टीम एक्सट्रीम स्क्वाड अवेलेबल हो चुके हैं। यहाँ पे 3v4 का सिचुएशन क्योंकि टीम कॉस अभी 3 मैन स्टैंडिंग और टीम एफडब्ल्यू विद 4 मैन स्टैंडिंग सर्वाइव देखने को मिल जाए। यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने 14 किल सिक्योर कर चुके, क्या अपने खाते में टोटल 17 किल्स के सिक्योर कर पाते या फिर ये टीम कॉस से क्या एलिमेंट होने के चांसेस है। लेकिन डोरेमोन को स्पॉट आउट कर चुके, डोरेमोन की जो ट्री में जो पोजिशन थे वो फिलहाल रिवील हो चुके, लेकिन टीम कॉस के सामने अभी भी जोन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, उनके पास 12 मीटर्स का डिस्टेंस तो अपने जोन का कैपिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन उनके सामने का हार्ड कवर जैसे कुछ जैसे छोटे छोटे रिजेस है, छोटे छोटे रिजेस के लिए शायद उनको ट्रैक्टर तक वगैरह जाना पड़े, छोटे छोटे हेयर स्ट्रक्स तक उनको एंट्री करनी पड़ेगी, वरना फिर टीम आफ्टर लीग स्क्वाड उनको इजीली हेलमेट कर देगी क्योंकि जोन के अंदर ऑलरेडी आ चुके, जोन के आए नहीं उनका 50 मीटर्स जोन के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये टीम दोनों स्क्वाड्स अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने का डिसीजन लेना पड़ेगा। काफी बेहतरीन स्प्रेड आंसर देखने में डोरेमोन के जैसा कॉस्टिंग जो भी हम नॉकआउट हो जाएंगे डायरेक्टली एलिमेंट कर दिए जाएंगे और उनको उनको को जब उन्होंने एक तरह से अपने स्मोक होल बनाने में सक्षम नहीं हो पाए, देख सकते हो कि जैसे काफ़ी ज़्यादा गैप्स वगैरह देखने मिल चुके थे स्मोक के बीच, तो उनको डायरेक्टली नॉक एंड फिनिश ऑफ कर चुके हैं। इसके बाद और आइजन वगैरह अभी कट्टर करने की कोशिश, अतोरी को फॉलो कर चुके, अतोरी अभी बैंडेज लगाने की कोशिश करें, उनको फटाफट से अपने को फुल हील करने की कोशिश करनी पड़े। अतोरी के हमें अतोरी का हेडशॉट हम कर चुके, लेकिन हमें अतोरी ने अपने बॉल को नॉक आउट कर चुके और हमें टीम कॉस किस स्क्वाड अवेलमेंट होती है टीम एफडब्ल्यू के खाते में, वो टोटल 17 किल्स का वो टीम एफडब्ल्यू ने एक विनर विनर चिकन सिक्योर कर चुके, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चिकन सिक्योर कर चुके टीम एफडब्ल्यू। एंड यहाँ पे टीम कॉस ने टोटल 3 किल्स का अपने सेकंड पोजीशन सिक्योर कर चुके, तो उनके बाद जो जोन के फेवर था तो उसके वजह से ईजी उनको सेकंड पोजिशन आ चुके। अगर उनकी 4 मैन स्टैंडिंग होते तो शायद से वो एग्रेसिव पुश वगैरह देखने को मिल सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, टीम कॉस ने अपने सेकंड पोजीशन सिक्योर करने में तो सक्षम हो पाई। तो हम पे थर्ड पोजिशन आ चुके टीम एक्सट्रीम टोटल 0 फिनिश, यहाँ पे 4th पोजिशन आ चुके टीम टोरंटो विथ टोटल 5 फिनिश, यहाँ पे 5th पोजिशन आ चुके टीम लॉस विथ टोटल 3 फिनिशर्स, हम 6th पोजिशन आ चुके टीम लिक्विड क्वांटम विथ टोटल 6 फिनिशर। हमें पिज़्ज़ा बॉय ने एक एग्रेसिव गेम प्ले हमको देखने मिला, पिज़्ज़ा बॉय के तरफ से टोटल 5 किल सिक्योर हो चुके ऑलरेडी इस मैच के अंदर। तो यहाँ पे टीम नंबर टपाटप की तरफ बढ़ते हैं, टीम नंबर टपाटप विथ टोटल 0 फिनिशर एट 7th पोजिशन। एंड यहाँ पे 8th पोजिशन में बढ़ते 8th पोजिशन आ जाएगी टीम I4E स्क्वाड विथ टोटल 1 फिनिशर। यहाँ पे एंड 9th पोजिशन सिक्योर करती है टीम DMR विथ टोटल 3 फिनिशर। 10th पोजिशन आ चुकी है टीम T विथ टोटल 0 फिनिशर। 11th पोजिशन में आ जाएगी टीम इनसे 0 फिनिशर। 12th पोजिशन सिक्योर करती है टीम बेस्ट विथ 1 फिनिशर। 13th पोजिशन आ जाएगी टीम अर्बन गेमिंग विथ 0 फिनिशर। 14th पोजिशन सिक्योर करती है टीम मैक्स विथ 0 फिनिशर। एंड 15th पोजिशन आ जाएगी टीम SOP विथ टोटल 2 फिनिशर्स के साथ। तो यही था आज के हमारे पहले मैच के फिटनेस एंड उनके रैंकिंग्स एंड पोजिशन। तो फटाफट से बढ़ते हैं सेकेंड वाले मैच की तरफ जो कि रैंगल वाला मैप होगा, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अगर आप देख रहे हो, अगर आपको उस वाले मैच का लिंक से तो उसको हम सेकेंड उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे एंड एज वेल एज हम उसको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे। तो सो आप वापस से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं टीम एफडब्ल्यू फॉर गेटिंग द फर्स्ट चिकन ऑफ द डे विथ टोटल 17 किल्स का। तो ये फटाफट से बढ़ते हैं इरेंगल वाले मैप के अंदर, क्योंकि हमको पता है इरेंगल वाले मैप के अंदर थोड़ा सा प्लेयर्स की काउंट ज़्यादा होगी, तो उस वाले मैच में और भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज रेंज फाइट एंड एज वेल एज मिड रेंज फाइट हमको देखने को मिल सकता है। तो जरूर से बने रहे उसको और उस वाले वीडियो को देखते रहना। Be a long night.